तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में टारगेट। दोस्तों आज हम लेकर आए कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आप लोग की यानी कि कल आप लोग जो हिंदी का आप लोग का एग्जाम्स होगा 21 फरवरी को जो आप लोग का एग्जाम्स होगा उसका मोस्ट वीवीआई और 100% गेसिंग प्रश्न लेके आए, जो आप लोग के लिए 100% संभावित प्रश्न है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को बताएंगे, जो आपके कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यानी कि सभी पर्सन को एक एक पर्सन को अच्छी तरह से आप लोग को देखना है और आप लोग को एग्जाम्स में देना है। दोस्तों हम जितने भी पर्सन या केसिंग कराते हैं बहुत सारे पर्सन आ जाते हैं दोस्तों, शायद ये भी वीडियो से आ जाए। दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, 100% गेसिंग पर्सन और 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन बताने वाला हूँ, जो आपके लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों वीडियो शुरू कर देते हैं। हे दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न देखने पा रहे हैं कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कल की एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। और दो नंबर प्रश्न देख रहे हैं, एक एक पर्सन को जो आपको अच्छी तरह से देखना है, स्किप एक एक पर्सन को नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ बताना। दोस्तों पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा यानी कि शर्म ना रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो तीन नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, इसमें जो है चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यानी कि गुणाकार मिलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो चार नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चार का जो राइट की बात कहा जाए तो दो हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन, यानी कि दो। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण। दोस्तों आपको नवग्रह शब्द एक दिया हुआ है, इसमें आपको समास बताने किस समास का उदाहरण है। दोस्तों ये उदाहरण है आपका द्विगी समास का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह जो छः नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि सुलक्षणी कौन थी। दोस्तों सुलक्षणी कौन थी, दोस्तों आपका क्या था, गुरु नानक की पत्नी थी, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि अगेत का जन्म कब हुआ था। दोस्तों अगे का जन्म कब हुआ था दोस्तों आपको अगे का जन्म बताना है। दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था आपका हुआ था यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी, कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। एक एक प्रश्न को देखिए, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और आठ नंबर जो प्रश्न देख पा रहे स्क्रीन में कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। दोस्तों अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, इसमें अभिव्यक्त शब्द दिया हुआ है, इसमें निहित उपसर्ग बताना है। दोस्तों इसमें जो निहित उपसर्ग हो जाएगा आपका अभी हो जाएगा, यानी कि अभी क्या हो, निहित उपसर्ग है। और इस तरह बढ़ चलते जो अगला प्रश्न है पार स्क्रीन में कि हे दोस्तों, हमारे जो नोट प्रश्न है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी, कौन कहा था। इसमें भी चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यानी कि कौन कहा था, ज्योतिषी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो 10 नंबर प्रश्न है पार स्क्रीन में कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है आपका यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें हम जो है 50+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि लौट कर आऊँगा फिर पार्ट की विदा। दोस्तों यानी कि लौट कर आऊँगा फिर पार्ट की विदा क्या है। दोस्तों 11 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कविता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं, दोस्तों विशेषण के चार भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। दोस्तों आपको बताना है कुंवर नारायण जो है किसके द्वारा रचित पाठ है। दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि बहादुर के द्वारा रचित पाद है, ठीक है, सॉरी कुंवर नारायण किसके द्वारा रचित पाद है, यानी कि एक वीर की हत्या के द्वारा रचित पाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि या लकुटी अरु कामड़िया पर राजतिहुपुर की तजी डौड़ो, यानी कि एक संस्कृत लफ्ज दिया हुआ, इसमें जो है एक पंक्ति के रचनाकार बताना। दोस्तों यानी कि इसका रचनाकार कौन है, तो कहीं से उठा लिया और आपको बताना इसका रचनाकार। दोस्तों 14 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रसखान। और इस तरह जो अगला प्रश्न है पार स्क्रीन में कि कम्युनिज्म के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि इसका लेखक राइटर का नाम बता। दोस्तों 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण कौन है, चार या काला या थोड़ा अधिक। दोस्तों संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों 16 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार हो जाएगा। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि नाना काना
नाना काना साहब का संबंध है दोस्तों। नाना काना साहब का संबंध किससे है दोस्तों, यानी कि गुरु नानक से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न आपके एग्जाम्स को देखते हुए। और 98% पारी स्क्रीन में कि नाखून हमारी देश के अवशेष है दोस्तों, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है दोस्तों। यहाँ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पशुता, नाखून हमारा पशुता के अवशेष है, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते हैं जो अगला प्रश्न है पारी स्क्रीन में कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है दोस्तों। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, यानी कि कब मिलने लग जाता है, इसका जो राइट आंसर की बात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वीं 9वीं सदी से। और इस तरह जो 20वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था। इस पर यह भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1925 ईस्वी में हुआ था। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको यहाँ देना है दोस्तों। इसमें जो आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी कि मोहन है या सेना या बचपन या पत्र दोस्तों। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसमें भाव का यानी कि अर्थ स्पष्ट किया जाए दोस्तों। 21 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बचपन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो 22वां प्रश्न है पार स्क्रीन में कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ क्या गया दोस्तों। किशोर से मार खाने के बाद जो बहादुर चुपचाप कोने पर खड़ा हो जाता है। और इस तरह जो 23वां प्रश्न पारी स्क्रीन में कि रूसी जाति की असीमता को सुरता करने वाले साहित्यकार है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें जो है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न पारी स्क्रीन में कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते दोस्तों, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते किसको माने जाते दोस्तों, यानी कि आपका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं ये दोस्तों। हमारे जो 25वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसमें आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन सा उदाहरण नहीं है, भलाई या दूध या सुंदरता या अच्छा। अच्छा दोस्तों 25 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में दोस्तों, ये जो किससे कौन सा पाठ से लिया गया है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां या जाकिर हुसैन या बिरजू महाराज या उपयोग सभी दोस्तों। 26 यानी कि 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिरजू महाराज से है। और इस तरह बढ़ चलते जो 27वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि अज्ञ ने सूत्रपात किया दोस्तों, यानी कि अज्ञ ने सूत्रपात किया दोस्तों। 27 का यानी कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रयोगवाद का। और इस तरह जो अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सवर्ण संधि का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना कि सवर्ण संधि का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामावाद भी है और परमानंद और कबीरानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि 29वां जो प्रश्न है कि मदन है दोस्तों, मदन जो है क्या है, सोपर का बेटा या सेन साहब का बेटा या किरानी का बेटा या सेन साहब के मित्र का बेटा दोस्तों, मदन एक क्या है तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किरानी का बेटा था, ठीक है। और इससे जो 30वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि अन्य पुरुष देश भेद है दोस्तों, अन्य पुरुष जो है इसका भेद संज्ञा का विशेषण का या क्रिया का या भाववाचक सर्वनाम का दोस्तों, 30 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाववाचक सर्वनाम का है। और हमारे जो 30वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा है दोस्तों, यानी कि इसका गंडा बांधा है दोस्तों, यानी कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा है दोस्तों, पिता ने या माँ ने या भाई ने या बहन ने दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिता ने। और इस तरह और अगला प्रश्न देख पा रहे स्क्रीन में कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। 32 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, यानी कि जीवानंद दास हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर हे दोस्तों, हमारे जो 33वां प्रश्न देख पा रहे स्क्रीन में कि जापान पर परमाणु बम गिराया दोस्तों, जापान पर जो है परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने या अमेरिका ने या चीन ने या रूस ने दोस्तों, बहुत ही सिंपल इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अमेरिका ने गिराया, ठीक है। और इस तरह जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं हमारा जो रोन नदी में देश है दोस्तों, यानी कि रोन नदी भी जो है कहाँ पर है, भारत में या फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में दोस्तों, ये भी सिंपल ही प्रश्न है दोस्तों। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में है, ठीक है। और इस तरह जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं कि 35 जो है कि दिगु समाज नहीं है दोस्तों, आपको बताना कि दिगु समाज जो है कौन नहीं है, त्रिलोक या भाई बहन या शताब्दी या नवरत्न दोस्तों। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाई बहन एक क्या है, दिगु समास नहीं, इसके अलावा त्रिलोक शताब्दी और नवरत्न क्या है, दिगु समास का उदाहरण है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगता, सॉरी
मांगना चाहता था। दोस्तों लेखक जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। दोस्तों इसमें भी आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, खाने के लिए, खेलने के लिए, या कुआं में पालने के लिए, या फेंकने के लिए। दोस्तों 36 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुएं में पालने के लिए। और इस तरफ बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि कविता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कविता जो है कौन है, अक्षर ज्ञान, या स्वदेशी हमारी नींद, या शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न, ठीक है। दोस्तों यानी कि शिक्षा और संस्कृति एक क्या कविता नहीं है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि मुहावरा नदी शहर से दूर थी। दोस्तों मुहावरा जो नदी था शहर से कितना दूर था, 1 मील, या 2 मील, या 3 मील, या 4 मील। दोस्तों इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 मील दूर था मोहारा नदी, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते 39 नंबर जो प्रश्न पार स्क्रीन में कि राजदूत में, दोस्तों आपको बताने कि राजदूत में क्या तत्पुरुष समास, या अव्ययभाव समास, या कर्मधारय समास, या तद्धन समास। दोस्तों 39 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो यहाँ क्या बोला है कि राजदूत में है। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजदूत, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते अगला 40 नंबर प्रश्न पार है कि अविनियो देश नदी के किनारे अवस्थित। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ जो है अविनियो है कौन सा नदी के किनारे में मौजूद है, अवस्थित है। दोस्तों वो आपका हो जाएगा रोन नदी के किनारे मौजूद है, ठीक है। और इस तरह जो 41 नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि गिरधर लाल जो है यानी कि कौन थे, सेन साहब का मित्र, या सेन साहब का भाई, या मदन पिता, या सेन साहब का पड़ोसी। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 41 का जो राइट की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन का पिता था, ठीक है। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न पार स्क्रीन में कि संतु डेस के मारे काँप रहा था। दोस्तों यानी कि संतु जो है किसके डर के से काँप रहा था, ठंड, या डर, या खुशी, या दर्द। दोस्तों यानी कि 42 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठंड से काँप रहा था। और जो 45 नंबर प्रश्न है स्क्रीन में कि बहुव्रीहि समास इसमें है। दोस्तों आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है। दोस्तों बहुव्रीहि समास में पहले क्या होता है, वो आपका कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। बहुव्रीहि समास का जो होता है कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह जो अगला प्रश्न है स्क्रीन में कि 44 नंबर जो प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है। दोस्तों यानी कि 44 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न है पार स्क्रीन में कि कमरुद्दीन जन्म में कहाँ पे हुआ। दोस्तों कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, या बिहार, या महाराष्ट्र, या कलकत्ता। दोस्तों 45 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में जो हुआ था कमरुद्दीन का जन्म हुआ था। और इस तरह जो 46 नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें जो चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ये कौन सा जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों 46 का जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। और हमारे जो 47 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खां के यहाँ पे क्या हो जाएगा निवासी थे। दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा आपका क्या, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खां किसके निवासी थे। तो दोस्तों आपका हो जाएगा यानी कि डुमराव के निवासी थे। और इस तरह बढ़ चलते जो 48 नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि मछली कविता के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है कि मछली कविता के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ला जो है मछली कविता का लेखक है। और दोस्तों हमारे जो 49 नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों काफ़ी सिंपल है और धर्मात्मा का जो है इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। दोस्तों धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है आपका धर्म प्लस आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो अंतिम 50वां प्रश्न पार स्क्रीन में कि जन्म से ही पागल थे। दोस्तों कौन जो है जन्म से ही पागल था। दोस्तों 50 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगू जो था धर्म से यानी कि बचपन से ही पागल था, ठीक है, जन्म से ही पागल था। दोस्तों इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन को डिस्कशन किए, और इस सभी पर्सन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी लाभ पहुंचे, वो भी अपने एग्जाम्स में यानी कल के एग्जाम्स में अच्छे से लिख सके, ठीक है। दोस्तों आज के लिए दोस्तों चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो के सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।